नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बिल्कुल सही होंगे। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अंगूर की। अगर आपके पास भी अंगूर की बेल है तो यह टाइम, फरवरी का जो ये टाइम है, बहुत ही अच्छा टाइम है इसकी देखभाल करने का। अगर इस समय आप इसकी देखभाल कर लेते हैं तो आपके भी बहुत अच्छे अच्छे ग्रेप्स आएंगे। तो हमें क्या क्या इसके लिए करना चाहिए, चलिए आगे वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, अब हमारे अंगूर में फल आने धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएंगे, तो इस वक्त आपको इसकी अच्छी तरह से देखभाल कर लेनी चाहिए। वैसे तो थोड़ा सा हमें भी इसमें 8-10 दिन की देरी हो चुकी है। अब आप देख रहे हैं, इसमें देखिए, ये नई नई शाखाएं फूल रही हैं। लगभग हमारा सर्दियों में पेड़ बिल्कुल डोरमेंसी में चले गया था। इसकी टहनियाँ ऐसी लग रही हैं कि जैसे सूख सी गई हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है, सबसे पहले इसमें जो ज़्यादा पतली टहनियाँ हैं और जो सूखी सूखी सी टहनियाँ हैं, उनको आपने काट के उनकी हल्की हल्की आपने ट्रिमिंग कर देनी है। दोस्तों ये देखिए, आप घबराइए मत, आप जितना अच्छा इसको प्रून करेंगे उतना ही अच्छे इसमें नई शाखाएं आएंगी और उतना ही अच्छे इसमें फ्रूट्स आएंगे आपको। तो देखिए दोस्तों, जहां आपको कट लगने के बाद आपको पता लगता है कि वह टहनी सूखी हुई है, तो उसको स्टार्टिंग से ऐसे हटा दीजिए। ये देखिए, ये यहाँ पर बिल्कुल सूख गया है, नीचे से वो ग्रीन है। दोस्तों, इस वक्त आपके पास जितने भी ये बड़े बड़े जो पेरिनियल प्लांट्स पेड़ हैं, जो इस प्रकार के हैं, उन सबको आपको प्रूनिंग करनी ही करनी है। चाहे वो गुड़हल के आपके हों, चाहे अमरूद का पेड़ हो, चाहे अंगूर का हो, नींबू का प्लांट हो, हल्की हल्की प्रूनिंग कर दीजिए। या अनार का हो तो उसकी भी सब सूखी टहनियों को हटाकर इस प्रकार से उनकी सबकी प्रूनिंग आप कर दें। जहां से आप प्रून करेंगे वहीं से उसकी और भी इसकी शाखाएं फिर नहीं आएंगी दोस्तों। और अगर अगर आप वहां से नहीं देखिए दोस्तों, ये मैंने काट दिया, हालांकि इसमें आगे से आ रही है, लेकिन फिर भी इसको काट दीजिए। ऐसा मत सोचिए कि ये आ रहा है तो उसको छोड़ दो। कई बार हमारे मन में विचार आता है कि ये आ रहा है इसको छोड़ दो, लेकिन मेरे को दिखता है कि ये यहाँ से कमजोर है, नहीं अच्छी लग रही, तो उसको काट दीजिए, क्योंकि और आ जाएंगी। अभी आप अब तो इसका जितना हम इसको काटते जाएंगे और वहां से फिर दो दो तीन तीन आएंगी, उसी प्रकार से उतने ही फल हमें अच्छे प्राप्त होंगे। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज ये दिखाना चाहता हूँ कि ये देखिए, यहाँ पर बाहर से पूरी सूखी हुई है और अंदर से ये बिल्कुल हरी है। तो आपका इसका मतलब ये है कि आपकी जो सिर्फ ये है, ये सिर्फ सूखी हुई है, अंदर से ये हरापन है, यानी कि ये मरी नहीं है। इस चीज का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। ऐसे कई बार हमें लगता है कि अंगूर हमारा सूख गया है, लेकिन ये सर्दियों में होता है, हर प्लांट के साथ होता है, हर प्लांट का अपना डोरमेंसी पीरियड होता है, ये ठंड को नहीं सहन कर पाता है। करते जाइए दोस्तों, इसको करते जाइए, जितनी भी पतली पतली है उनको तो बिल्कुल हटा दीजिए आप। तो दोस्तों इस प्रकार से देखिए, मैंने इसकी पूरी प्रूनिंग कर दी है। अब ये मैंने बहुत छोटा कर दिया अपना, और इसकी जितनी भी कमजोर शाखाएं थी सब मैंने निकाल दी हैं और मजबूत मजबूत सी शाखाओं को रख दिया, और लगभग मैंने इसकी हर जगह से थोड़ा सा प्रूनिंग कर दी है। अब इसको इसी प्रकार से मैं धीरे धीरे सेट करते हुए बाद में ऊपर की ओर इसको रख दूंगा। और अब इसमें हमें दूसरा काम क्या करना है कि दोस्तों, प्रूनिंग के बाद अब इसमें हल्की सी हमें इसकी खाद की व्यवस्था भी करनी है। इसकी गुड़ाई उड़ाई करके इसमें जो भी वीड्स वगैरह हैं, जो भी चीज़ें हमारी इकट्ठी हो रखी है, क्योंकि अभी ये डोरमेंसी पीरियड में था, मैंने इसको बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया, सर्दियों में छोड़ दिया था बिल्कुल। तो दोस्तों अब इस पर ध्यान देने का वक्त हमारा है। इस वक्त अगर हम इस पर ध्यान नहीं देंगे, ऐसा नहीं कि फ्रूट नहीं आएंगे, लेकिन फ्रूट की वो अच्छी क्वांटिटी फिर हमें नहीं मिलेगी इसकी। दोस्तों इसको बाद में अच्छी तरह से हमें सेट करना पड़ेगा, इसको अधिक से अधिक सनलाइट मिले, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। हर फ्रूट प्लांट हमारा अधिक से अधिक धूप को मांगता है। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें अपनी ये पेड़ों को इस प्रकार से बचा के रखा हुआ था, कुछ मैंने ये लगा के रखे हुए थे, कुछ बचे होंगे इसमें से, कुछ ये गर्मियों के हैं और चूल्हा वरल थे। तो अब इन सबको मेरा इसमें से हटाने का टाइम आ गया है, और जो भी ये घास वगैरह हो रही है ये सब हम इसमें से हटाएंगे और इसमें नई खाद हम डालेंगे थोड़ा सा। दोस्तों ये देखिए, गमले को मैंने इस प्रकार से तैयार कर लिया है, इसकी कुछ ऊपर से पुरानी जड़ें जो थी वो काट के हटा दी है मैंने ऊपर से, और इनको मैं हटा दूंगा। ज़्यादा भी जड़ों को आपको नुकसान नहीं पहुँचाना, ज़्यादा गहराई तक मत जाइए। ऊपर तक अगर जड़ें हैं तो हल्की हल्की मिट्टी निकालिए और इसके साइड में इस प्रकार से अब हम इसमें खाद डाल देंगे।
दोस्तों देखिए, अब इसमें हम खाद क्या डालेंगे ये मैं आपको बता दूं, ये आपके पेड़ की फिर लाइफ पर डिपेंड करता है। अगर आपका पेड़ 2-2.5 साल पुराना है और इतना बड़ा गमला आपके पास है, ये देखिए करीब मेरा 24 इंची का गमला है और अच्छा खासा है ये अंगूर के लायक, और इसमें मिट्टी भी काफ़ी है, तो इसमें मेरी 1.5 से 2 किलो के आसपास खाद लग जाएगी। अगर आपके पास छोटा गमला है तो बहुत ज़्यादा मत डालिए, आप 1 किलो के आसपास चारों ट्रिम में, आप देखते हुए प्लांट्स को देखते हुए कि प्लांट कितना बड़ा है आपकी, उसकी एज क्या है, किस प्रकार से उसने ग्रोथ ली हुई है, उसी प्रकार से खाद डाल दें। साथ में दोस्तों अगर आप यूज़ कर सकते हैं तो बोन मील का प्रयोग करिए, उसमें बोन मील डालिए। वैसे गोबर की खाद अपने आप में सफिशियंट होती है, अगर आपके पास पुरानी हो तो, अच्छी सड़ी हुई खाद हो तो गोबर की खाद अपनी अच्छी खासी होती है, उसको डालेंगे तो थोड़ा एक्सट्रस भी हो जाएगी तो उससे कोई नुकसान आपको होने वाला नहीं है। लेकिन अगर आपके पास बोन मील है तो बोन मील क्या करता है, आपके बाद में फलों के साइज़ को बढ़ाता है और अच्छी मिठास भी उसके अंदर देगा आपको, अच्छा फल भी उससे आएगा आपको, और बहुत स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइजर है। तो आइए दोस्तों इसका खाद तैयार करते हैं। तो दोस्तों ये हमने पुरानी अपनी गोबर की कुछ खाद ले ली है, देखिए गोबर की खाद आपकी पुरानी और इस प्रकार से बिल्कुल भुरभुरी जैसी हो तो बहुत ही उत्तम है दोस्तों, ये एकदम से पेड़ ऑब्जर्व करने में बहुत आसानी रहती है। इसमें हम करीब करीब 1 मुट्ठी दोस्तों, इतना अगर आपका प्लांट 2.5-3 साल का है तो इतने बोन मिल आप इसमें जरूर इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा भी मत करना, अगर छोटा है तो कम कर लीजिए, 2 चम्मच या 3 चम्मच का प्रयोग करें बस पे। तो और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अगर आपके पास सरसों की खली का पिसा हुआ है तो आप वो भी डाल सकते हैं, पाउडर के रूप में है तो 3-4 चम्मच वो भी इसमें इस्तेमाल कर लेते हैं। दोस्तों मैंने तो अभी बनाया हुआ नहीं है और मैं इसमें वैसे भी सरसों की खली लिक्विड के रूप में ज़्यादातर इस्तेमाल करता हूँ, आप लिक्विड दे सकते हैं तो फिर इस वक्त मिलाने की आपको आवश्यकता नहीं है, वही काम करेगा वो भी। दोस्तों ये बहुत सफिशियंट है, ये दो चीज़ें बहुत हैं हमारे लिए। अगर आपके पास है तो इसमें अगर हम चाहें तो अभी 1-1.5 मुट्ठी राख की भी, मेरे पास राख पड़ी हुई है दोस्तों, मैं इसमें थोड़ा सा 2 मुट्ठी राख मिला देता हूँ। दोस्तों देखिए इतना, ये हमारी पुरानी अपनी राख पड़ी हुई है और इसको हमने इसमें इस प्रकार से मिला दिया, इससे कोई फंगस भी नहीं आएगा। या आप चाहें तो इसके बदले नीम खली भी प्रयोग कर सकते हैं, नीम की खली जो मिलती है, और राख के अंदर भी पोटास बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा फल आता है ये, इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद। तो चलिए दोस्तों अब इसको हम अपने प्लांट में दे देंगे। दोस्तों इस प्रकार से हम इसकी हर एक साइडों में आप मुट्ठी इस प्रकार से भर भर के डाल दीजिए। आपको कोशिश यही करनी है कि इसका जो मेन तना है उससे थोड़ा सा दूर हम इसको डालें। दोस्तों इतनी खाद इसके लिए बहुत है, बहुत अच्छी सफिशियंट है और पूरे साल भर में ये रहने वाली है इसके साथ। अब दोस्तों जो मिट्टी हमने ये निकाली थी इसी को हम इसके साइड में डाल देंगे और जो ये इसकी जड़ें निकली हुई हैं इनको हम हटा देंगे, जड़ प्लास्टिक के टुकड़े या कोई भी चीज़ें ऐसी हैं तो उन सबको हटा दीजिए आप। दोस्तों ये प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी सिर्फ साल में आपको एक ही बार इसी टाइम पर आपको देखभाल करनी होती है, बाकी टाइम तो ये पूरे हरे भरे रहेंगे, आपको सिर्फ इसमें पानी डालना है बस और कुछ नहीं करना है। लेकिन इस टाइम पर इस प्रकार से अगर आप इसकी अच्छे से देखभाल करेंगे तो आपको अच्छे फल की प्राप्ति होगी। बस दोस्तों अब इतना ये सब करने के बाद अब इसमें हमें ये देखिए, और दोस्तों आप मिट्टी देख रहे हैं मेरी कितनी अच्छी, ये देखिए भुरभुरी मिट्टी है, इसकी जड़ें तभी तो ऊपर तक आई हुई है एकदम से, और नीचे भी बड़ी अच्छी मिट्टी इसकी मैंने बनाई हुई है। लास्ट ईयर भी इसने काफ़ी अच्छे मेरे को अमरूद अंगूर दिए थे दोस्तों, हालांकि हमारे वहाँ बंदर महाराज आते हैं वो इसका काफ़ी नुकसान कर देते हैं, लेकिन दोस्तों फिर भी अपने शौक की वजह से हमने लगा रखा है। प्राप्त बाजार में भी हमें अंगूर की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा नहीं है, बस लगे हुए हमें थोड़ा सा अच्छे लगते हैं। बस दोस्तों इस प्रकार से अब आप इसमें हम इसमें थोड़ा सा साइड साइड में बहुत अच्छी तरह से इसमें पानी डाल देंगे और फिर उसके बाद जब पानी सूख जाए तो फिर आगे फिर धीरे धीरे पानी डालते रहेंगे। पानी की भी बहुत अधिक आवश्यक मत डाल देना इस वक्त, क्योंकि इस वक्त इसकी नई नई कोपलें खुल रही निकल रही हैं तो अत्यधिक मात्रा में भी हमें पानी नहीं डालना है। जब मिट्टी अच्छी तरह से सूख जाए तभी हमें इसमें पानी डालने का देखना है, वो आपको अच्छी तरह से चेक कर लिया करें मिट्टी को,
जो ऐसे खास तौर पर बड़े प्लांट होते हैं, थोड़ा बहुत तो एक्स्ट्रा पानी ये ले लेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर आपका पानी रहेगा तब भी आपके इसमें फल नहीं अच्छे लगेंगे। तो दोस्तों आपने देखा, आपने जानकारी ली कि कैसे हमें अंगूर की देखभाल करनी चाहिए, और क्योंकि इसका अब आने वाला सीजन है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताएं। वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।